अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सेटअप को, जिसके साथ चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, और देखेंगे कि इस सेटअप में क्या खामी है और कैसे जो है हम कॉस्ट सेविंग करते हुए चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर आप देखिए तो ये बेसिकली दो पैनल्स 575 वाट जिनको बायोफिजिकल के पैनल यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। अगर हम इनका एंगल देखें तो ना स्ट्रक्चर को सही प्रॉपरली एंगल दिया गया, ये L2 स्ट्रक्चर है। हालांकि अगर हम देखें साउथ बेसिकली इस डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, लेकिन जिस इंस्टॉलर ने इसको लगाया नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर शो किया और नॉन प्रोफेशनल अप्रोच को देखते हुए उसने बिल्कुल इसकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट कर दी है, यानी इस तरह जो है ना डायरेक्शन कर दी है। सो इसको लगना दूसरी साइड चाहिए था, लेकिन इसको लगाया दूसरी साइड गया और दूसरा बिल्कुल इसके उसको नियर बाय वॉल लगाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो शेडो है वो इस पैनल्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है स्ट्रक्चर की यानी सिस्टम की वो जो है वो कम होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी अप्रोच देखें कि इसने वायरिंग का काम कैसे किया, तो मैं थोड़ा सा ना आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर के नीचे की जगह है, और इसमें आप देखें ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं MC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट किया गया और ऐसे ही वायर जो है वो लटक रही है। इसके अलावा एक और जो ब्लंडर इसने मारा है क्योंकि नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर को शो किया था, वो ये है कि जो पाइप है इसने बिल्कुल छत के दरमियान में से चला दिया है, ठीक है। हालांकि अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच को चलते हैं, अच्छे इंस्टॉलर एक अच्छी कंपनी से एग्जीक्यूशन करवाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी थे। आप बिल्कुल इसके साथ साथ इस पाइप को लेके जा सकते थे और देन इसको लेके जाते हुए प्रॉपर क्लिपिंग करते हुए यहाँ से आप नीचे सब इसको ले जा सकते हैं। तो ये शो करते हैं कि जब हम कॉस्ट सेविंग की तरफ जाते हैं तो बहुत से जो फैक्टर्स हैं उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो आज हम करें हमें कितना देर वो जो है ना उससे फ़ायदा मिलेगा और हम किस जगह से वो इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज मैं एक साइड पे आया, हालांकि ये चीज़ें जब मैंने देखी, मैंने जिन्होंने लगवाया उनको भी हाईलाइट की कि बिल्कुल जो सिस्टम है प्रोफेशनल अप्रोच में नहीं लगा, अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं है, इसको आप या तो डायरेक्शन पैनल की चेंज करें और बेहतर क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप होनी चाहिए थी इस सिस्टम पे जो कि नहीं लगाएगी। अब बेसिकली ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, इन्होंने नीचे DC कूलर को जो है वो इस सिस्टम के साथ लगाया हुआ है और एक या दो आध लाइट जो है इसके साथ चला रहे हैं, प्लस बैटरीज हैं, तो यानी इसका कोई लिंक नहीं है वापे के साथ। सूरज होगा तो ये चलेगा और बैटरीज दिन में ये चार्ज अप हो रही होती है, लेकिन चूंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखें कोई एंगल नहीं है, कोई सिविल पैड्स नहीं बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के नीचे, बेसिकली इन्होंने क्या किया जुगाड़ सिस्टम आप समझ सकते हैं, इन्होंने ईंटें लगा दी हैं। सो आप अगर आप जिस कंपनी को से भी एग्जीक्यूट कराएं प्रॉपरली काम करवाएं, ताकि फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज़ का बेनिफिट हो सके।